पंजाबी खबरां दे विच सारयां दा निघा स्वागत है। मैं तुहाडा दोस्त होस परमजीत सिंह भगना। सब तो पहला निगाह मारदे आ अज दीआं मुख खबरां ते। कैप्टन सरकार ने पंजाबियों नूं करफ्यू दी दित्ती ढिल। नदेड़ तो परते 7 होर कोरोना पॉजिटिव। कोटा तो आए 6 विद्यार्थी भी लाग तो पीड़ित। करफ्यू दौरान पिंड दे सरपंच ने एक बंदे नूं शरेआम मारी गोली। भाजपा ने पंजाब दे उद्योगपतियों नूं कारोबार खोलण दा दित्ता भरोसा। नहीं होणगीआं 10वीं दीआं बचीआं प्रीख्यावां। औसत दे मुताबिक मिलणगे ग्रेड। बॉलीवुड स्टार इरफान खान दी होई मौत। हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब सरकार ने पंजाब दे लोकां नूं करफ्यू दे विच इक वड्डी ढिल दित्ती है ते पंजाब दे विच सवेरे 7 बजे तों लैके 11 बजे तक करफ्यू दे अंदर ढिल दित्ती जावेगी, जिस विच लोक आ जा सकणगे, दुकानां खुल्लणगीआं वगैरह वगैरह। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज ये वड्डा ऐलान किया। तो आओ हुण तुहानू सीधा लै चलदे आ कैप्टन अमरिंदर सिंह दी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे विच, जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करफ्यू दे विच ढिल तो इलावा होर काफ़ी वड्डे ऐलान अज कीते ने। मैं तुहानू पहलां भी दस्सिया सी, जो दुनिया चल रही है बीमारी, ये बीमारी रुकने वाली नहीं चलती है। इस बीमारी ने अगे नूं फैलना है और जैसे दस्सिया जा रहा है महाराज कि अज ये शायद जुलाई ताईं, शायद अगस्त ताईं या सितंबर ताईं जा सके। कुछ कुछ पता नहीं, क्योंकि बीमारी बारे कुछ किसी नूं कुछ पता नहीं है। तो अज जिहड़ा तुहानूं मैं कहा सीगा कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी तरह तुहानूं राहत दित्ती जाए, असीं अज फैसला कीता कि असीं डेली 7 बजे तो लैके 11 बजे सवेरे असीं लॉकडाउन लिफ्ट होगा। तुसीं बाहर आ सकते हो अपने घरां चों, दुकाना खुलियां होणगियां 7 बजे तो लैके 11 बजे तक, उत्थे भी तुसीं जा सकते हो। और पर फिर 11 बजे वापस आके फिर लॉकडाउन रहेगा। ये जिहड़ा लॉकडाउन और करफ्यू हाले असीं 2 हफ्ते तक कम से कम इस नूं अगे रखांगे, फिर आपां नूं हालात देखणे पैणगे। लेकिन थोनू थोड़ी जी राहत मिलू ताकि तुसीं बाहर जाके घरां चों निकल के अपनी दुकाना तुसीं जा सको। और दूजी गल जिहड़ी लोड़ है पंजाब नूं भी और साडे लोगां नूं जिहड़े काम अपनी दिहाड़ी करदे ने, असीं इंडस्ट्री नूं खोलना चाहुंदे आ, उह इंडस्ट्री जिहड़े अपने लेबर नूं संभाल सकन और जिहड़ी लेबर उहनां दे नेड़े ही रहे, या तां विच उहनां दे एरिया 'च रहे या नेड़े रहे, उह अपनी लेबर अपनी इंडस्ट्री चालू करो ताकि तुसीं भी अपना इंडस्ट्री नूं एक बार फिर चालू भी करिए और पंजाब दा भी उहदे 'च भला है और लोगां दा जिहड़े उत्थे अपनी दिहाड़ी वगैरह उत्थे लै सकन। तो एक तां थोड़ी इंडस्ट्री असीं चालू करना चाहुंदे हां, एक असीं दुकाना खुलवाउणा चाहुंदे हां, एक थोनू 4 घंटे की राहत देना चाहुंदे हां कि तुसीं बाहर जाके अपने दुकाना जिथे तुसीं जाना होए अपने उत्थे जाओ। लेकिन इहदे नाल ही मैं ये भी बेनती करांगा कि 11 बजे तुसीं वापस अपने घर जाओ और लॉकडाउन और करफ्यू रहेगा, वो रहेगा 2 हफ्ते तक कम से कम, और फिर थोनू आप देखांगे उदो हालात की बनते हैं। लेकिन अज मेरी एको बेनती है थोनू कि एदा एदी कोई इलाज नहीं, सिर्फ इलाज है सोशल मिक्सिंग आप ना करिए। अज भी जब तुम बाहर जाओगे प्लीज़ अपना डिस्टेंस मेनटेन करो, वो जरा 2 मीटर दूजा रहना चाहिए, अपने मास्क पाओ और अंदर जब तुम घर चाहते हो आके तुसीं उत्थे भी अपने अपने आप ही अपने फैमिली दे नाल ही तुसीं उत्थे रहो। ऐ नहीं कि दोस्तां नूं आपां बुला लो या कुछ कुछ करो, उहदे नाल इह गल फिर गड़बड़ हो सकती है। ते तुसीं सुणिया कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, उन्होंने काफ़ी रायतां जिहड़ियां कि पंजाब दे लोकां नूं दे दित्तियां। ते उत्थे ही अगली खबर दे उपर रुख करदे आ। महाराष्ट्र तों पंजाब परत रहे ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 7 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 21 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
सारे पंजाब दे विच करोना वायरस करके डर ते खौफ दा माहौल बनिया। पंजाब दे विच करफ्यू लग्या होया, चप्पे चप्पे दे पंजाब पुलिस दा तैनात की गई है। उत्थे बटाला पुलिस दे थाना सेखवां दे विच पेंदे पिंड खरे दे एक बंदे दी कतल करने दी खबर ने सनसनी फैला दती है, जिसने सरपंच ने खुद गोली मार दती है ते मौत दी घाट उतार दता है। पुलिस हुण इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पिंड दे सरपंच ने पिंड दे ही दलवाग सिंह दे उपर गोली चला के उसकी हत्या कर दिती है। तो यह सब पता करने वास्ते साढ़े पत्रकार जतेंद्र कुंदल ने मृतक व्यक्ति दे मुंडे नाल खास तौर पर गलबात की है, तो उत्थे पुलिस दे अधिकारियों नाल भी गलबात की है। तो आओ जानते हैं असल मामला है कि सरपंच ने क्यों गोलियां चलाईया। मेरा नाम भाजी जगरूप सिंह है, पिता दा नाम दलबाग सिंह, रहण वाले पिंड खारे दे आ। की होया है भाजी? इन्हां दे घर दा गेट नूं बाहर किसी ने वट्टे मारे 11 बजे ना। आपां सारे घरां वाले इकट्ठे होए आ, वीर भी आया वै। सरपंच दा घर साडे तो 2 किले हटवां वै। ये वीर आया, आपां खलोते, आपां घरां नूं चले आ। सरपंच आया मोड़ तो गालां कढ़दा, दो इहे साडा महला, आपां इत्थे गुंडागर्दी नहीं चलन देनी। उह अजे जनानियां खलोतियां, आह वीर ने डक्या गालां ना कढ़, आह वीर ने डक्या सरपंचा गालां ना, गालां कढ़। सरपंच दा मनबीर सिंह नां है जी, बब्बू सरपंच उहनूं आंदे ने। ये वीर ने डक्या, ये वीर ने मैनूं फड़िया, मैं वीर डैडी गां जाण डिया, मैनूं छड्ड दे, वीरां दा नां लड़ीए ना मन्नू। मैं वीर उहदे हत्थ च रफल, उहने गोली मार देनी, उहने जोड़ दिया गोली मारती, पुछिया ही नहीं कक्ख मेरे प्यो नूं। फिर दो अपने घर चलाए ने उन्हें। मैं दसो कित्ते जाऊंगा, मैं रुल गया, मैं बिमारी लगन नाल मैं उदा ही मर गया, मैनू बिमारी ना की भा, मेरा प्यो चल गया मेरे सिर तो। माता पूरी हुई है, मेरा गवांडी है, 2 दिन होए माता पूरी हुई नू। कोई वीर जी पार्टी बाजी नहीं, दसो आप पार्टी बाजी कितना करांगे, रोटी आड़ी पूरी नहीं होंडी आ दिना च। की चाहुंदे सरकार कौन दे? सरकार को वीर जी आपां साफ चाहुंदे आ भी जो नजायज होई आ किसे गां पिओणा ना। मैं तां रुल गया, मैं तां रुल गया, मैं तां मर जाणा वा, मैं तां बचणा नहीं आप भी, मैनूं तां जां इत्थे मार दो जां कोई टीका ला दो, मैं तां आप नहीं बचणा। इन्हां नूं वेखी किसे चलण दी, उस तों बाद पता लगेगा। हुण तक दी तफ्तीश की पता? हां जी, अज्ज ते डेड बॉडी दे गए आ ते ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਸਪਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਐਂਕਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਬੜੀ ਘੱਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
पर यह सारा मसला सेंटर साहब के सेंटर सरकार के अधीन आता से इन्हों की मंग कैप्टन साहब के राही सेंटर सरकार को पहुँचाई जाएगी। तो कैप्टन साहब कोशिश करेंगे तो कोशिश की जा रही है भी जिन्नी तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी इकानमी लिया तो नहीं आ सकती, पर इस नामराज बीमारी तो डरद बड़ा कुछ जरना पैना, देखो की होंगे, पर इन की मंग जी पहुँचाई जाएगी। सर इन ने पहले भी मंग रखी से मेमोरेंडम के दस ये गल कही थी कि जी लेबर उन्होंने सैलरी नहीं दे सकते। देखो ठीक गल है, सैलरी नहीं दे सकते, इन्हों मंगा जीडिया ने बहुत वाजब ने, पर उन्होंने हूँ सरकार फैसला करेगी, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी रल के को फैसला कर सकते। सर जो एक गल कही जा रही है कि 3 मई को लॉकडाउन खोलन की तैयारी है या जो रिलैक्सेशन देने की गल है ग्रीन जोन के लग रहा है कि माहौल बन रहा जिदा जी। ये देखो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला करना, मोदी साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैसले देख के फिर स्टेटा फैसला करनी, बाकी रिलैक्सेशन देनी नहीं देनी ये कैप्टन साहब का फैसला वा, जो कैप्टन साहब करेंगे अगले फैसले भी उन्हें बड़े सोहने किए ने, सारा पंजाब उन्होंने चंगे फैसलों महसूस करता, हूँ ही कैप्टन साहब जो करेंगे ठीक कर 75% लोग ने जिन्हों के 10 तो घट बंदे काम करते हैं, 20% बंद ने जिन्हों के 20 तक बंद काम करते हैं। साग थी कि इतने बहुत छोटी इंडस्ट्री है, अगर इन्हों को इलैक्शन दिखती जाती है दिखती जाती है तो इंडस्ट्री चलेगी। 2 लाख आबादी वाला शहर अगर इन्होंने ना हाथ धरिया गवर्नमेंट ने तो मुके शहर तो कस्बा बन जाएगा। तो साड़ी उम्मीद है कि जरा अचानक सड़क कर्फ्यू लगा वो जी इंडस्ट्री आ सू बड़ा धक्का लगा, साढ़े पैसे आने वाले जो माल तैयार से वो आ नहीं सकया, ना ही साढ़े को पैसे आ सके, अचानक लेबर घर बहना पै गया। तो साड़ी गवर्नमेंट अगर यह अपील थी एक तो साढ़े बिजली के बिल जोड़े आता जरूर ले जाए, दूजा जरा GT रोड जो इंडस्ट्रियल जोन चाहता इनू जी वो परमिशन दी जाए। 3 तरीक तक सा इंडस्ट्री का ऑलरेडी फैसला थी कि आप इंडस्ट्री नहीं चलानी, जो गवर्नमेंट शक्षण होगी वो तो कटी असी उन्होंने मंगा अपन कैप्टन कैप्टन बाजवा से दिखाई ने उन्हें साड़ी मंगा तो बड़ा गौर किया, तो सू विश्वास जो है कि जल्दी करती है। दिल्ली के नाल लगते हरियाणा के फरीदाबाद जिले दरहदा मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरी तरह सील कर दिता है, किसी ने भी सरहद पार करन तो बाद फरीदाबाद तो दिल्ली या दिल्ली तो फरीदाबाद एंट्री नहीं दिती जाऊगी। फरीदाबाद सरहद के उपर 3 मई तक इस पूरी तरह सील कर दिता गया है। तो दस दिए कि फरीदाबाद के जिले के डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारिक तौर पर मंगलवार को सरहद को सील करने के आदेश दे दते हैं, तो यह हुक्म 28 अप्रैल तो लागू हो गया। तो इस आदेश में फरीदाबाद को होर जिले के राज्यों तो बार्डर सील करन दे जिहड़े ऑर्डर कर दते गए हैं। तो उत्थे ही तुहानू दस दिए कि बड़ी महत्वपूर्ण फरीदाबाद बॉर्डर दी ये दस्या जा रहा है जी इस नू सील किया गया। सब तो महत्वपूर्ण गल यह भी है कि डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ बैंक कर्मचारी पुलिस कर्मचारी 29 अप्रैल नू दोपहर 12 बजे तक अपने शनाख्ती कार्ड दिखा के एंट्री लै सकते हैं, उस तो बाद किसी नू भी फरीदाबाद दे विच दाखल होने की छूट नहीं दिती जाएगी। तो तुहानू दस दिए कि हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने दस्या सी कि दिल्ली तो जिहड़ा कि कोरोना कैरियर बन बन के हरियाणा दे विच घुस रहा, तो जिस करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी एक चिट्ठी लिखी सी कि जो कर्मचारी जो लोग हरियाणा तो दिल्ली दे विच काम करन जांदे ने उन्हां दी रिहायश का प्रबंध भी उन्होंने दिल्ली दे विच करना चाहिए, जिसके चलदे एक वड्डा कदम अज चुक्या गया। देश दे विच कोरोना संकट लागू किए लॉकडाउन विचाले CBSE बोर्ड ने वड्डा फैसला लै लता, तो CBSE की 10वीं जमात दीआं बाकी बोर्ड प्रीख्यावां हुण नहीं होणगीआं, सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली दे तनाव कारण रद्द कीतीआं गईआं प्रीख्यावां हुण दुबारा कराईआं जाणगीआं। 10वीं जमात दे विद्यार्थियों नूं बाकी प्रीख्यावां दे विच औसत दे हिसाब नाल ग्रेड दित्ते जाणगे, इहदे नाल ही क्लास 12वीं दे बाकी 12 विषयां विच उह सिर्फ महत्वपूर्ण प्रीख्यावां जो बनदियां ने उही लत्तियां जाणगीआं। दस्सिया भी जा रहा है कि जिवें ही स्थिति सधारण होवेगी कापियां चैक करन दा काम शुरू हो जाएगा, CBSE अनुसार कापियां दी जांच करन तो बाद नतीजे प्राप्त करन वास्ते घट्टो घट्ट 2.5 महीने का
टाइम लगेगा, सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति पर निर्भर करेगा। सो पंजाब सरकार वालों भी जिहड़ा कि इदां दा ऑर्डर बहुत जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस विच पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री ने एक वड्डा बयान दिता कि दसवीं जमात जो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड अधीन आउंदे ने उन्हां दसवीं जमात के बच्चों नूं भी ग्यारहवीं जमात दे विच प्रमोट किया जा सकता है। मुंबई के कोकिला बैन होस्पिटल दे विच फिल्म अदाकार इरफान खान का बुधवार यानी कि अज देहांत हो गया है। तो यह खबर सुनते हैं, उन्होंने लखा प्रशंसकों का दिल टुट गया। यह कलाकार जिसने किरदार नू जिंदगी दे पर्दे ते कास्ट किया, हुण साडे विचकार ये नहीं रहे। तो इरफान पिछले काफ़ी लंबे समय तो कैंसर की बीमारी के नाल जूझ रहे सन, पर उन्होंने इस बीमारी के उपर जित पा लती सी ते बीमारी नू हरा दिता सी। पर शनिवार नू इरफान खान की माता का देहांत हो गया सी, उहदां दा सदमा वह नहीं चल सके जिसके चलते अज वह दुनिया नू छड्ड गए। सो दस्या जा रहा है कि इरफान खान लॉकडाउन लगन करके जयपुर दे विच अपनी माता नू आखिरी वेले नहीं मिल सके, ये भी एक वड्डा सदमा उन्होंने दिल दे विच ही रह गया। तो तुहानू दस दिए कि इरफान खान की आखिरी फिल्म जो अंग्रेजी मीडियम है, उस फिल्म दे विच उन्होंने बहुत खूब किरदार अपना प्ले किया, एक यादगार फिल्म बन के ये रह गई है। सो साडे चैनल वालों भी असी सच्ची श्रद्धांजलि इरफान खान नू दिंदे आ कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री वास्ते काफ़ी वधिया किरदारां दे रूप दे विच काफ़ी सिक्ख्यावां लोकां तक पहुँचाईयां। सो पंजाबी खबरां दे विच इसी अज दीआं वड्डीआं खबरां, होर खबरां वी इसे तरह तुहाडे नाल चलदीआं रहणगीआं। देश दुनिया दीआं ताज़ा तरीन खबरां देखण सुणन वास्ते बने रहो आज न्यूज़ वाला दे नाल।